आने की बात पूछते हो। हमारे घर में एक बड़ी सुंदर कन्या ने जन्म लिया है। महाराज, मैं अपनी बिटिया को सच्चा ग्रहण करवाने लाया हूं, मेरी बेटी को पढ़ा दो। वाह भाई वाह, बाणासुर तुमने तो बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया। भोले बाबा मैया पार्वती के साथ में बाणासुर ने अपनी बेटी उषा को कर दिया और बाणासुर वहां से चला है। जो उषा ने अपने बाबुल से बोली, ओ बाबुल मेरी बात सुनो। कहा बोली उषा, मैया से नमस्ते कहियो। बाबुल तुम जा रहे, मेरी मैया से नमस्ते कह देना। मेरी मैया सो नमस्ते कहियो, अपनी बिटिया को भूल मत।
जवाब दिया है। कई बाणासुर कैसे याद किया है, हम तुम्हारी तपस्या पे बहुत प्रसन्न हैं। बाणासुर आप मुझसे वरदान मांगो। सोई बाणासुर उठ के खड़ा हो गया, भोले बाबा के पैरों तले पड़ गया। भोले बाबा अगर वरदान देना चाहते हो तो मुझे एक वरदान दे दो। कौन सा वरदान मांगा बाजी बा? बाणासुर ने वरदान में क्या मांगा? हसी करके बाणासुर बोला, अब हम पर सिंह कृपा कर दो। हंस करके बाणासुर बोला, अब हम पे सिंह कृपा कर दो। मुझे 1000 भुजा देकर अब हमको अजर अमर कर दो। महाराज हमें 1000 भुजाएं चाहिए और महाराज हमें इतना बलवान बना दो, इतना बलवान बना दो कि हमारे समान कोई बलवान पैदा ही नहीं हो पाए। बाणासुर कहने लगा मुझे प्रभु बलवान बना दो। भोले बाबा कहने लगे बाणासुर तूने मांगा तो क्या मांगा, इब मस्तु ऐसा ही होगा, तुम्हें 1000 भुजाएं मिल जाएंगी, तुम अजर अमर हो जाओगे, लेकिन ऐसे नहीं मारे जाओगे और तुम्हारे पांव की खुजली मिटाने वाला नौजवान द्वारकापुरी में भगवान कन्हैया के वंश में होगा। बोले बाबा तो चले गए और तुम जानते हो गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, जिसे अपने शरीर पर अहंकार हो जाए अहंकार भगवान का भोजन होता है। गोस्वामी जी ने लिखा है काया देख किसे देखो मन
और कर विचार देखो मन माही। शरीर को अहंकार किसको ना है भयो भक्तो, हर किसी को अहंकार हुआ है। और जब जब काया का अहंकार हुआ तब तब भगवान कन्हैया ने कंस रूपी जन्म दे करके और उस अहंकार का भोजन किया है। श्री सुखदेव जी कहने लगे हैं कि हे उत्तरानंदन परिचित, हुआ क्या? बाणासुर जो था अब तो इतना बलवान हो गया, इतना बलवान हो गया, संग के लड़कों के साथ में खेलने जाता है, किसी को अपना मैया में ढकेल देता है, किसी का सर फोड़ देता है, किसी की कमर तोड़ देता है। मेरे भैया अब तो बाणासुर बहुत बलवान हो गया है। ए मंत्री मंत्री, एक बात बताओ, हमारे राज्य में देख करके आओ, कोई महात्मा तो नहीं भगवान का नाम लेता है? कोई ब्राह्मण तो नहीं भगवान का नाम लेता है? मंत्री दौड़ता हुआ गया है, जवाब दिया, महाराज कोई नहीं भगवान का नाम लेता है, बाणासुर ने भगवान का नाम लेना बंद करवा दिया। बंधुओं, इतना गुमान हो गया अहंकार को, बहुत शरीर को गुमान हो गया, कहा नहीं है क्या? पिंजड़े में पाली जाती है, पिंजड़े में पाली जाती है, बकरी जो मैं करती है, गर्दन पे चुटकी जलवाती बकरी जो मैं करती है, गर्दन जो अति का मीठा होता है, अपना नाश कराता है, अपना नाश कराता है, अति का मीठा गन्ना है, गोली में ना जाता है। अति का मीठा गन्ना है, गोली में मैना जो मैना होती है, पिंजड़े में पाली जाती है, बकरी जो मैं करती है, गर्दन पे छुरी चलवाती है। मंत्री मेरी बात सुन, तो हमारे हाथों से मारा जाएगा। उसी समय मंत्री तो चला आता है, इधर मेरे भैया बाणासुर पूरे भारत में डोल आया, लेकिन उसके पांव की खुजली मिटाने वाला नौजवान कोई नहीं मिला। बाणासुर खुद भोले बाबा के पास में पहुंचा है,
भोले बाबा के पास में बाणासुर पहुंचा। भोले बाबा से कहने लगा, भोले बाबा कहते मेरे पांव की खुजली मिटाओ और नहीं तो आप हमसे खुद लड़ो। वाजी बा, भोले बाबा कहने लगे, बाजी बा बाणासुर तू तो हमारे लिए भस्मासुर से भी पलंग हो गया। मैं तो भस्मासुर से ही परेशान था और तब तक दूसरा भस्मासुर तू हो गया है ना। भोले बाबा कहने लगे, ठीक है बाणासुर लो मैं तुझे ध्वजा दे रहा हूं। एक झंडी को उखाड़ के ध्वजा दी है, लो बाणासुर अपने मंदिर पे जो ध्वजा को टांग देना और जिस दिन ये ध्वजा टूट के जमीन पे गिर जाए बाय दिन समझ लियो कि मेरा काल पैदा हो चुका है। अब तो बाणासुर ध्वजा लेकर के जाता है मंदिर पे, जाकर के ध्वजा को लगा दिया। इधर द्वारिकापुरी में भगवान कन्हैया हुए हैं। भगवान कन्हैया के पुत्र प्रद्युम्न और प्रद्युम्न के लड़का अनिरुद्ध भगवान हुए हैं। प्रद्युम्न के लड़का अनिरुद्ध भगवान हुए। अनिरुद्ध भगवान जो थे बहुत बलवान थे बंधुओं, इतने बलवान थे अनिरुद्ध भगवान, बहुत बलवान रहे भक्तों। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन परिचित, उषा की मैया को उषा की अदाई है। पांच साल की अवस्था में उषा शिक्षा ग्रहण करने कैलाश पर्वत पे गई थी। 13 साल और 6 महीने उषा ने शिक्षा ग्रहण की कैलाश पर्वत पे। उषा 18 साल 6 महीने की हो गई। उषा की मैया ने क्या काम किया है, अपने पिया बाणासुर को बुलाया, जवाब दिया है, स्वामी जाने से उषा कैलाश पर्वत पर सच्चा ग्रहण करने गई भोले बाबा के पास में। काफी समय हो गया है लेकिन उषा की सूरत को नहीं देखा है। पिया मेरी बेटी उषा को लेवा के ले आओ। बाणासुर बांध से चला है कैलाश पर्वत पे पहुंचा। इधर उषा को मैया पार्वती सच्चा ग्रहण करा रही हैं। उषा सच्चा ग्रहण कर रही है, कैसे उषा नाच रही है। बेटी उषा इसी तरीके से नाचा कर और मैया नाच नाच कर समझान लगी है, कैसे बेटी उषा देख ऐसे नाचा कर। बाजी बा, उषा तो बहुत सुंदर नृत्य कर लेती है
और तोले बाणासुर पहुंच गो। उषा लड़कियों को झुंड में खेल रही थी बैठी बैठी, हाय जो बबला को देखो, एकदम उषा ने कलेजे से लगा लिया, बाबुल आप आ गए, तालियां बजाओ। हाँ है, मैं आ गया हूँ, मेरी मैया तो कुशल है, जवाब दिया सब कुशल ही कुशल है, आपकी माँ ने तुम्हें बुलाया है। एक दिन की बात है, भगवान शंकर मैया पार्वती के साथ में कैलाश पर्वत पे विश्राम करने को गए। उषा छुप करके एक झाड़ी से देखने लगी कि भोले बाबा मैया पार्वती से मिल रहे हैं। उषा के दिमाग में झटका लगा, जैसे भोले बाबा से मैया पार्वती मिल रही हैं, हाय भगवान ऐसे हमारे भी पति होते, मैं भी इसी तरह से अपने पिया से मिलती। उषा को आकाशवाणी हुई है, उषा तुझे इतनी पिया की लगन है, जा मैं तुझे वरदान देती हूँ, तेरा पति तुझे सपने में दिखाई देगा। इतने शब्दों को कहा है मेरे भक्तों, तो उषा ने पाए पकड़ ले और कहा, बोली हो मैया, मेरे पिया से पाए मिलाए दी जैन तो मर जाओ। जो इतने शब्दों को कहे तो मैया पार्वती ने वरदान दिया, उषा तेरा पति तुझे सपने में दिखाई देगा। बाणासुर पास में पहुंचा, भोले बाबा से आज्ञा मांगी है कि महाराज उषा को उषा की मैया ने बुलाया है। मैया पार्वती भोले बाबा पास में बैठे थे, मैया पार्वती ने कहा है, बाणासुर तुम अपनी बिटिया उषा को लेने आए हो, देखो जवान लड़की घर में रखना पाप होता है, जब लड़की घर में जवान हो जाए कि तो माता पिता को शादी कर देना चाहिए और नहीं तो माँ बाप को कलंक लग जाता है। उषा ने बाणासुर से, मैया पार्वती ने कहा है कि जाओ बाणासुर, तुम अपनी बेटी उषा को ले जाओ और इसे अलग महल दे देना चाहिए। और हकीकत बात, लड़की घर में जवान हो जाए तो कह तो भाई अलग महल दे दो और नहीं तो उसकी शादी कर देना चाहिए। बाणासुर उषा को लेके जाता है, उषा को अलग महल दे दिया, सखियों के साथ उषा अलग महल में रहने लगी है। बाणासुर तो चला जाता है,
उषा खेल खेलने लगी है। जवाब दियो बहना, बहना हाँ दीदी, देखो अगर कहूँ मैया बबुला ने हमारी तुम्हारी शादी करी तो हमें कोई काम करवे को ना आएगो, चलो आज रुके ब्याह ब्याह खेले, झूठ मूठ की शादी करेंगे। चुप रहो रोण, शादी शादी खेल लइया है, मैया बबुला नाराज हो जाएंगे। ना ना झुट्टल को झूठी मूठी ब्याह करूंगी। आज 22 समय पे एक लड़की नाई बन गई और एक पंडित बन गई, एक दूल्हा बन गई, एक दुल्हन बन गई। और बा भाई बा उषा की जब शादी हुई, क्या नाम झूठ मूठ के भामनिया चेव में उसे कल्ले घूम लिया है। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन परीक्षित ध्यान न बिसर जाए। और एक कमरा से दूसरे कमरे को विदाई हो जाती है, सखियां तो चली गई। उषा को चित्ररेखा एक महल में रहने लगी हैं, तो चित्ररेखा बोली है उषा भोजन बना के ले गई, लो पिया भोजन कर लो। चित्ररेखा करने लगे ऐ और तुम यहाँ तो नई नई बहू आए तो दूल्हा ठसक बहुत दिखाते हैं, अंग्रेजी बहुत दिखाया करते हैं, ऐ इस सब्जी में नमक कैसे ज्यादा हो गया, और सब्जी रोटी ला कर तूने पानी क्यों नहीं दिया है, ये रोटी कैसे जल गई। जी बोली हाय खा लो, अब कहूँ ऐसे ना धोखे में जल गई, हम क्या करें, पर ये चूल्हे में आज ज्यादा हो गई, धोखे में जल गई। क्या धोखे में जल गई है, मैं तेरी नाक काट घर से बाहर निकाल दूंगा, जानती है। हाय कैसे झटका से लेता है, और जलियोगी तो का है, खा लो। आज चित्ररेखा ने खाना खाया और एक ही उषा और चित्ररेखा एक ही पलंग पर लेट जाती हैं। देखिए भाई समय आ गया, कौन सा, जो भोले बाबा ने मैया पार्वती ने वरदान दिया था, तेरा पति तुझे सपने में दिखाई देगा। उषा गहरी नींद में सो रही है, और क्या हुआ है, चौड़ी छाती को नौजवान बाके पलिगा पे आओ, चौड़ी छाती को नौजवान बाके पलिंगा पे आयो है, जिन मीठे मीठे बचनन से बप प्रेम भाव दर्शायो है। छीना झपटी में चोली फटी, मैं तो ये कदम से चिल्लाई हूँ, मेरी छोड़ कलाई भाग गयो, मेरे सैया नाई कसाई है। उषा होश में आई, फिर बेहोश हो गई, उठ के बैठ जाती, अरी ओरी बैरी ने दिया, तू मेरी आँख समा गई, तूने मेरे पिया को कहाँ छिपा लिया। उषा फिर लेट जाती है,
और फिर उठ के बैठ गई उषा, फिर लेट जाती है। अरे परिंदिया मेरी आंखों में आ जा, फिर उठ के बैठ गई, फिर लेट जाती है। उषा लेट गई, फिर उठ के बैठ जाती है। हाय भगवान, क्या करूं, कहां छिप गए पिया तुम, कहां छिप गए। फिर लेट गई, मैं सोई जाती हूँ, मेरी पिया आ जाए आंखों में, फिर उसके बैठ गई। उषा फिर लेट जाती है, उषा लेट जाती बंधुओं, फिर उठ के बैठ गई।